हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई डब्ल्यू टेक, ट्राई टेक नाम मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैं आप सबको बताने वाला हूँ फ्यूचर ऑफ कंटेंट, आज तो इस वीडियो को थोड़ा सा जज मत करिएगा, क्योंकि आज मैंने खाया हुआ है पान, मतलब मेरे मुंह में छाला निकला हुआ है बहुत बड़ा सा, और इंग्लिश में पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट बहुत अजीब सा है, वो दर्द हो रहा है। इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से और प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, जो वीडियो है मतलब जो शो मस्ट गो ऑन, राइट। आप जैसे भी सिचुएशन में हैं, आपकी जो ऑडियंस है उसको प्यार करती है, तो मैंने सोचा आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं ऐसी भी हालत में, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर ऑफ कंटेंट, कंटेंट का फ्यूचर क्या होने वाला है, और प्रेजेंट स्टेट में कंटेंट जो है, कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि वीडियो कंटेंट रहेगा इन फ्यूचर, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, टेक्स्ट कंटेंट खत्म हो जाएगा या फिर पॉडकास्टिंग का जमाना है। तो कुछ आपको मैं 4-5 मिनट लेने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप सब इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए, समझिए कि फ्यूचर का कंटेंट क्या होने वाला है, और डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, राइट। तो चलिए, इंट्रो तो नहीं चलेगा क्योंकि ये अनकट वीडियो है, और जैसा भी मैं बोलता हूँ, जो गलतियां करता हूँ, आप सब भी देखिए कि मैं किस तरीके से ऑन द गो एक कट में वीडियो बनाता हूँ, राइट। तो क्या गलतियां मैं करता हूँ, मैं काटूंगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि कंटेंट जो है आज के टाइम में आपका पैसा है, राइट, मनी। देखो मैं कैसे पैसा बोल रहा हूँ, तो कंटेंट इज मनी, क्योंकि आप जितना, क्योंकि देखो, क्योंकि क्योंकि कितनी बार निकलता है जुबान से, लेकिन चलता है क्योंकि अनकट वीडियो है। तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट आदमी को, देखो परफेक्टली कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, आदमी जैसा भी है उसको उसी तरीके से काम करते रहना चाहिए, वो जैसे टाइम बीतता रहेगा वो अपने आप को परफेक्ट बना लेगा। तो जो मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, घर में आप सब देखते होंगे, आप सबके घर में टीवी होगी, राइट। आपकी मॉम या फिर आपकी वाइफ, आपका भाई या फिर पेरेंट्स लोग सब टीवी देखते हैं, वो कपिल शर्मा शो देखते हैं या फिर वो न्यूज़ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो सब जो ब्रांड्स हैं या फिर जो चैनल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, आप देखते हो रिपोर्टर्स जाते हैं कि जैसे न्यूज़ अभी जब इलेक्शन का टाइम था, तो वो क्या बोलते हैं, वो चलाते थे, क्या सीरियल था उनका, एक सीरियल आता था, सीरियल नहीं था, न्यूज़ पे ही एक शो आता था, भैया जी कहिन, है ना। अब भैया जी कहिन मतलब ये थोड़ा सा क्योंकि यूपी की जनता को अट्रैक्ट करता है, और मेजर सीट्स पार्लियामेंट की यूपी में ही है, मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो उसी को प्रोजेक्ट करते हुए उन्होंने वो जो शो था उसको बनाया था, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट जनरेट करा। तो उसका जो एंकर था, उसने बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाता था, जाता था लोगों से, पब्लिक से माइक लेके पूछता था बहुत ही फनी वे में। तो इसी तरीके से आप भी अगर कंटेंट जनरेट करते हैं, चाहे आप कोई न्यूज़ चैनल है वो भी कंटेंट जनरेट करता है, आप सीरियल देखते हैं, राइट, जो अभी सास भी कभी बहू थी, अभी रिसेंटली तो बहुत सारे सीरियल्स आ गए हैं, अभी सावधान इंडिया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आ गए, राइट, सब लोग देखते हैं, वो सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो कंटेंट कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो कुछ सीखते हैं, उनको वैल्यू मिलती है, और उसी कंटेंट के बेसिस पे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एड चलाते हैं। टीवी पे आपको पता होगा एक एक सेकंड का वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये, हर चैनल का अपना अपना रेट होता है कि एक सेकंड में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको अगर 5 सेकंड ऐड चलानी है तो आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये ऐड पर ऐड का देना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ न्यूज़ चैनल्स अर्न मनी। उसके बाद तो ये जो डिश टीवी जो आजकल डिश आ गए हैं सेट टॉप बॉक्स, तो ये सब भी चार्जेस करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, और पर मंथ रेंटल आप सब भरते हैं, है ना। टाटा स्काई का 340 रुपीज़ का प्लान, उसके बाद D2H का 370 रुपये का प्लान, राइट। आप सब हर महीने सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन। देखो, लोगों को अगर कोई बोला जाए कि भाई ये देखो एक प्रोग्राम है, इसमें आप एनरोल कर लो, या फिर एक टूल है इसको ले लो, ये आपके बिजनेस में हेल्प करेगा, नहीं करेंगे, लेकिन वो टीवी के लिए करेंगे, टीवी पे सब्सक्रिप्शन है, उस पे वो पे करने को रेडी है। तो जैसे जैसे आपको पता होगा, अब तो आपको चैनल चूज करना आ गया है कि आपके मनपसंद जो भी आप चैनल आप चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पे करना है, राइट। तो ये है मतलब जो कंटेंट जो चेंज हो रहा है एरा। पहले क्या था, हमारे सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, उसमें वही डीडी नेशनल, डीडी मेट्रो आता था, है ना, हम सब देखते थे जूनियर जी और गुफी, कौन सा एक सीरियल आता था डिज्नी पे आता था, चित्रहार आता था, बहुत सारे ऐसे चैनल आते थे, तो वो कंटेंट जनरेट करते थे, राइट। अब कंटेंट, अब जो बीच में मिडिल लेवल हमारा जो एज है, हमारी जो एज आई जब हम सब बड़े हो गए, तो हमने देखा कि ये केबल नेटवर्क आने लग गए थे। केबल, आपको पता है हमारे यहाँ बाबा केबल था, या फिर और कोई ऐसे केबल आप सबके भी लोकल एरिया में होंगे, जो एक वायर लगाते थे और पर मंथ 150 रुपये 200 रुपये चार्ज करते थे, राइट। तो ये हो गया आपका केबल नेटवर्क। उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीता, तो उसके बाद अभी डिश वाला जमाना आ गया, आपको रेंटल पे करना, आप बिल भी ऑनलाइन पे कर सकते हो, आपकी HD क्वालिटी में ले सकते हो, आपको जो भी देखना है आप चैनल चूज कर सकते हो। देर आर सो मैनी मतलब अपॉर्चुनिटीज और सो मैनी आपके लिए बेनिफिट्स लेके आ गए हैं।
तो दिस इज हाउ कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म चेंज, राइट। अब आज के टाइम में क्या हो गया, इंटरनेट वर्ल्ड, हम सब वी आर यंग। मैं आज लाइक अभी 26-27 साल का हूँ, मतलब 26 से 27 कन्फर्म, मेरे को भी नहीं पता कि मैं 26 का हूँ 27 का हूँ, आई थिंक मैंने काउंट नहीं किया है, मतलब ये है, राइट। तो इंटरनेट वर्ल्ड में क्या है, आप सब टीवी आई थिंक बहुत कम ही देखते होंगे, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पर आप देख रहे होंगे, राइट। तो ये आप इंटरनेट से कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आने वाले टाइम में आप सबको पता है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरनेट का क्रेज बढ़ रहा है, तो जितने भी OTT कंपनीज हैं वो भी अपना जो दबदबा है वो बढ़ा रही हैं, जैसे अमेजोन प्राइम वीडियोज, हॉटस्टार, उसके बाद Z5, उसके बाद आल्ट बालाजी, उसके बाद नेटफ्लिक्स, एक और है पता नहीं कोई मिस हो गया, व्यू। तो ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम में आदमी मोबाइल फोन पे शिफ्ट हो रहा है, उसको बड़ी सी टीवी लगाने की जरूरत नहीं है, वो चीज आज जो टीवी पे देख सकता है वही अपने स्मार्टफोन पे देख सकता है, राइट। तो दिस इज हाउ कंटेंट इज चेंजिंग। तो अब आपके लिए मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कंटेंट का फ्यूचर क्या है और किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले लोग पढ़ते थे, आज भी लोग पढ़ते हैं, अब लोग बोलते हैं टेक्स्ट का जमाना खत्म। किसने बोला भाई, गूगल आज भी सबसे बड़ी कंपनी है और डेली का वो $100 मिलियन से ज्यादा वो रेवेन्यू में बनाती है सिर्फ टेक्स्ट ऐड से। मतलब टेक्स्ट ऐड नहीं, उसमें और भी आप वर्टिकल्स उनके जोड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेजर जो उनका है वो है टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट। सर्च इंजन पे आप जो सर्च करते हैं, मतलब टेक्स्ट कंटेंट ही सर्च करते हैं, राइट, उसके ऊपर जो ऐड आती है आप क्लिक करके जाते हैं तो वहां से गूगल कमाता है। तो सोच रहे हैं आज अगर टेक्स्ट कंटेंट खत्म हो जाएगा तो गूगल का तो नुकसान हो जाएगा, मतलब जब तक गूगल है तब तक टेक्स्ट कंटेंट है और आप उसको वहां पे काम करके मोनेटाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और वहां से बहुत अच्छा पैसा छाप सकता है, राइट। ये हो गया टेक्स्ट कंटेंट। अब बात करते हैं वीडियो कंटेंट की। तो वीडियो कंटेंट थोड़ा सा इजी होता है इसलिए कि आदमी को थोड़ा पढ़ने में ना अपना समय ज़्यादा लगता है और थोड़ा एफर्ट लगता है उसको, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा होते हैं पढ़ने में। और वीडियो में क्या होता है कि उसको सिर्फ स्टार्ट करना है, वीडियो प्लग एंड प्ले, भाई बंदा क्या कंटेंट बता रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है आपको, आप जाओ उसको समझो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो, आप सीधे एग्जीक्यूट करते, राइट। उसके बाद तो वीडियो का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो इसलिए अगर आप सब भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो कंटेंट क्रिएट करिए और आने वाले टाइम में मैसिव आप सब चेंजेस देख पाएंगे, क्योंकि जैसे फेसबुक वीडियोस पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, राइट। तो आप सब यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, IGTV आ गया है, इंस्टाग्राम TV, तो वाई नॉट यूज दैट, है ना। और सबसे बेस्ट बात कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टेंट तो नहीं आता, आपको फॉलोअर्स यू कैन लाइक आप प्रमोट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, आपने कोई वीडियो बनाई उसको प्रमोट कर दिया, आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। बाय द वे आई एम आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज AKA Amit Mishra, राइट। तो दिस इज हाउ वीडियो कंटेंट का फ्यूचर है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो कंटेंट। ऑडियो कंटेंट इज द बेस्ट, क्योंकि अभी आपको पता है अमेजोन का ऑडिबल है जहाँ से आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, मतलब मोस्टली सुन ही सकते हैं, पढ़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे फ़ोन में दो ऐप्स हैं, एक है स्पॉटिफाई, एक है ऑडिबल। ये वीडियो कोई किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं सोचा कि आप सबको बताना ज़्यादा सही रहेगा। तो स्पॉटिफाई पे मैं क्या करता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, कभी कभी सॉन्ग्स भी सुन लेता हूँ, सॉन्ग्स बहुत रेयर होते हैं बट मोस्ट ऑफ पॉडकास्ट होती हैं, जो भी अच्छे लोग हैं जैसे बड़े बड़े लोग टिम फेरिस या फिर गेरी वी, तो उनसे सीखने को मिलता है कि भाई जिंदगी में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप जब आ रहे हो चल के आ रहे हो, मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ जैसे हमारे घर से बाहर रोड तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर या फिर 800 मीटर होगा, तो मैं चाहता हूँ कि जो 800 मीटर है या फिर मैं जो बस में ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर मैं कैब में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, वहाँ से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज लूँ, उसको मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूँ और कंटेंट आप सबको प्रोवाइड करूँ, जो भी मेरे ब्रेन में फीड होता है वो आप सबको प्रोवाइड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए आप सब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद आता है मेरे फ़ोन में दूसरी ऐप है जो है मैंने बताया ऑडिबल। ऑडिबल पे मैं बुक्स लेता हूँ, मतलब परचेज करता हूँ और उसको सुनता हूँ कि भाई बुक्स में क्या बताया हुआ है। अभी मेरी करंट बुक जो चल रही है वो पिच एनीथिंग है, उससे पहले रीवर्क थी। हालांकि मैं अब लोग सोच रहे होंगे अमित आप तो एक हफ्ते पहले भी यही बता रहे थे, आज भी यही बता रहे हो कि आप यही बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन यार इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा ना पढ़ने में लेजी हूँ, मैं पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने ऑडिबल स्टार्ट किया है। अभी हो गया मुझे 15 से 20 दिन हो गया, एक महीना करीब मान लो, तो मैं जो
बुक्स हैं उनको ऑडिबल पे सुनता हूँ, और उसकी जो नॉलेज है उसको अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आप सब भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द कंटेंट एरा इज चेंजिंग, समझ रहे हैं? तो जो मेजर जो सार है इस वीडियो का, मतलब जो हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल आर, मतलब आप वो सब जा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, वो सब इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो दे हैव मोर टाइम टू स्पेंड ऑन इंटरनेट, सो व्हाई नॉट क्रिएट कॉन्टेंट ऑन इंटरनेट, राइट? आप टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट क्रिएट करिए। टेक्स्ट बेस्ड में कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है क्योंकि बंदा सर्च करके आता है, राइट? उसके बाद यूट्यूब दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है सर्च इंजन, जिसपे कि आप बंदा यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने उनके बेनिफिट्स हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो आई थिंक कंटेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो मूवीज बनती हैं, वो सब क्या है? वो सब कंटेंट है, सब कंटेंट से पैसा बना रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर कंटेंट पे फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और प्लीज ट्राई करिए किसी एक सोर्स पे या फिर सोशल मीडिया पे पकड़ के आप उस पर काम करिए, कंटेंट जनरेट करिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और थोड़ा बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और इन फ्यूचर आप किस तरीके की वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारी अनकट सीरीज रहती है जिसमें मैं जैसे भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं जो गलती करता हूँ वो सब आपको दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन इंस्पायर एंड मेक वीडियोस और क्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, राइट? तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने और नए मेहमान से। गुजारिश है कि आप सब चैनल पे विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, राइट? और वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर अगर मन करे तो बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सब अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय। अब मैं अपने फोन की स्क्रीन बंद कर दूंगा, मतलब वीडियो पॉज करने जा रहा हूँ, बाय बाय।